मैं जमाल शशम की तालिब इल्म हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर लब-ओ-शायरी करने का मौका मिला है वो है ज़िल-हज। फ़ज़ाने नज़र था यार के मकतब की करामत थी, ये फ़ज़ाने नज़र था यार के मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्ज़, ज़िल-हजा का महीना सभी मुबारक महीनों में से एक है। अल्लाह ताला ने इस महीने में कुर्बानी और हज दो अमल फरमाए। सारी दुनिया से लोग आकर इस महीने में हज करते हैं और कुर्बानी करते हैं। अल्लाह ताला ने ज़िल-हज के पहले 10 दिनों को इसलिए इतनी शान और शौकत अता फरमाई है क्योंकि इस दिन सारी इबादतें मिल जाती हैं। हज के शुरू के जो 10 दिन हैं ये इतनी फजीलत वाले हैं कि इन दिनों में इंसान जो नेकियां करते हैं वो अल्लाह ताला को इस कदर पसंद है कि बाकी के दिनों के अमाल इतने महबूब हैं। इसमें तौहीद पर तो इंसान चलता ही रहता है मगर इसके साथ हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात सब कुछ साथ में आता है। इसके अलावा कोई महीना ऐसा नहीं जिसमें सारी इबादतें एक साथ आ जाती हैं। इन 10 दिनों में 1 तारीख से 9 तारीख तक हम नफली रोज़ा रख सकते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रोज़े रखते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 9 दिन रोज़े रखते और 10वें दिन ईद मनाते। हज भी हो गया इस महीने में, ज़कात भी हो गया, सदका भी हो गया, नमाज भी हो गया, रोज़ा भी हो गया। इस महीने को कुरान मजीद में सबसे अफजल तरीन महीना बताया गया है। कुरान मजीद में सूरतुल फज्र में फरमाया गया है वल फज्र वल लियालिल अश, तर्जमा कसम है फजर की और इन 10 रातों की। इन 10 रातों से मुराद ज़िल-हज की पहली 10 रात। इन 10 दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सौलिया अमल करने चाहिए, हमें अल्लाह ताला की हमद सना बयान करनी चाहिए, उनकी बड़ाई बयान करनी चाहिए। हमद सना से मुराद ला इलाहा इल्ला है और तकबीर से मुराद अल्लाहु अकबर। तकबीर तशरीक से मुराद अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल हम। मर्दों के लिए बुलंद आवाज़ में तकबीर कहना फ़र्ज़ है मगर जब घर में कोई गैर महरम ना हो तो औरतें बुलंद आवाज़ में तकबीर पढ़ सकती हैं। आखिर में मैं इस दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको हज करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी तौफीकात में इजाफा फरमाए। आमीन सुमा।